खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। आप सबका इस्तकबाल इंटरेक्स न्यूज़ पर। कांग्रेस के अब टीआरएस में भी खिस्सा कुर्सी का। गोशा महल से वाबस्ता टीआरएस पार्टी वर्कर में हुआ झगड़ा। एबिट्स में मौजूद एक फंक्शन हॉल में ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के सिलसिले में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एक लीडर को स्टेज शेयर करने नहीं दिया गया, जिसके बाद ऐसा हुआ। हालांकि इस मीटिंग में होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और उनके सामने भी इसी तरह से झगड़ा पेश आया। तेलंगाना के होम मिनिस्टर, जिसके हाथ के नीचे पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर चलता है, उन्हीं के सामने ये झगड़ा पेश आया। अब टीआरएस लीडर कुर्सी के लिए भी मारपीट में उतर आए। अब देश कहाँ जाएगा? पहले के लीडर्स पढ़े लिखे और इल्म वाले थे और आजकल के गुंडागर्दी की डिग्री लेकर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। यानी कि ये तो वही हो गया, शरीफ आदमी तो मरेगा और राउडी नेतागिरी में आ रहे हैं। अब आवाम को सोचना है, आवाम के हाथ में है कि वो किसे वोट देंगे, ऐसे मारपीट वाले या कोई सीधे साधे, किसे चुनेगी आवाम। आइए देखते हैं ये मंजर आप सबके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी जीएचएमसी इलेक्शन के सिलसिले में गांधी भवन में भी इसी तरह से कांग्रेस लीडर में झगड़ा हुआ था। हर अहम खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। और कितना भी सीनियर है वो, अनडिसिप्लिन कोई भी एक्टिविटीज सुनाई नहीं देगी। शराब से सीधे अच्छे इंसान के जैसा आगे बढ़ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.